पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मेरे पेरेंट्स दिल्ली में थे और मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए पंजाब में रहना पड़ रहा था, और यही अकेलापन जो था वो मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था कि मैं डिप्रेशन में चली गई, और डिप्रेशन में जाने के बाद धीरे धीरे मुझे नींद आना बंद हो गई। नमस्ते, मैं मनजीत लुधियाना से, और मैं मेडिटेशन में पिछले 3 साल से हूँ, और मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रही हूँ। और जब मैं मेडिटेशन में नहीं थी तो इससे पहले मेरी लाइफ में बहुत से सवाल चल रहे थे कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, अगर इंसान की मृत्यु होती है तो वो कहाँ चला जाता है, और इसके साथ ही और कई ऐसे सवाल थे जिन्हें मैं अपनी लाइफ में ढूंढ रही थी, पर मुझे उनका जवाब नहीं मिल रहा था। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था कि जिस कारण मेरी लाइफ एकदम अकेली हो गई थी। मैं मेरे पेरेंट्स दिल्ली में थे और मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए पंजाब में रहना पड़ रहा था, और यही अकेलापन जो था वो मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था कि मैं डिप्रेशन में चली गई, और डिप्रेशन में जाने के बाद धीरे धीरे मुझे नींद आना बंद हो गई। और ये ऐसी चीज़ें थी जो मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं अपनी मदर से करती तो वो भी परेशान हो सकती थी, तो मैंने इस चीज़ को किसी से भी शेयर नहीं किया, जिस कारण ये चीज़ जो डिप्रेशन था मेरा बढ़ता चला गया, और एक दिन ऐसा आया कि डिप्रेशन में ही मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों का ये कहना था कि ये अभी शायद मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकती है, और इसको रेगुलर दवाइयां खानी पड़ेंगी, और मैं एक तरह से कोमा में चली गई थी। और कोमा में जाने के बाद मुझे सब कुछ सुन रहा था जो डॉक्टर्स बोल रहे थे, मेरे पेरेंट्स बात कर रहे थे, लेकिन मेरी बॉडी में बिल्कुल हलचल नहीं थी। मैं ऐसे ही बहुत दिनों तक रही, और जब मैं इसी दौरान मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जो इस दुनिया से अलग थी, और जब मैं वहाँ से बाहर आई तो मैंने इस चीज़ को और ढूंढना शुरू किया कि वो सब क्या था जो मैंने हॉस्पिटल में देखा था, क्योंकि मैं पूरी तरह ठीक नहीं थी, मैं दवाइयों पर थी, मैं रेगुलर हर रोज़ नींद की दवाइयां लेती थी, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती थी। जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई तो ऐसे बहुत से सवाल मेरे जहन में चलने लगे कि ये सब क्या था जो मैंने हॉस्पिटल में देखा था, क्योंकि मैं एक अलग ही दुनिया में थी, जहाँ पर लोगों के साथ साथ कुछ और भी लोग मुझे नज़र आ रहे थे जो इस दुनिया के नहीं थे। तो उन्हीं सवालों को ढूंढने के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गई, और मुझे ये तो नहीं पता था कि मेरे सवाल मुझे यहाँ पर मिलेंगे या नहीं, लेकिन मैंने एस्ट्रोलॉजी को बहुत डीप और बहुत गहराई से किया। मैंने ऐसी बहुत सी बुक्स को पढ़ा जहाँ पर मुझे ध्यान के बारे में पता चला, मेडिटेशन के बारे में पता चला, और इसी से आगे मैं रेकी में चली गई जहाँ पर हीलिंग होती थी, क्योंकि मुझे अपने डिप्रेशन को ठीक करना था, और जो दवाइयां मैं रेगुलर खा रही थी उन्हें भी मुझे छोड़ना था। तो मैं रेगुलर अपने घर में बैठकर ही ध्यान करने लगी, मेडिटेशन करने लगी, और यूट्यूब पर भी मैंने ब्रह्म कुमारी और विपसना मेडिटेशन के बारे में सुना, लेकिन मैं वहां पर नहीं गई क्योंकि अंदर से मुझे अभी आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरी एक फ्रेंड थी जो ब्रह्म कुमारी से जुड़ी थी और वो रेगुलर वहाँ पर मेडिटेशन के लिए जा रही थी, फिर भी मुझे अंदर से आवाज़ नहीं आई तो मैं वहाँ नहीं जा पाई। और इसी तरह मुझे एस्ट्रोलॉजी में जो छोटे छोटे पिरामिड हैं वो रखने का बहुत शौक़ था, मुझे लगता था कि उनसे मेरी हीलिंग होती है, मुझे उनसे बड़ी सारी पॉजिटिव वाइब्स आती थी। तो मैं यूट्यूब पर या फिर गूगल पर उनको बहुत अच्छा सर्च करती रहती थी, मुझे गोल्डन पिरामिड बहुत पसंद थे, उनके जवाब ढूंढने के लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी में जाना ठीक समझा क्योंकि मुझे वही ठीक लग रही थी। तो मैं एस्ट्रोलॉजी में गई, साथ ही मैंने वास्तु सीखा, रेकी सीखा, और बहुत से अपनी ऐसी चीज़ों को ढूंढने के लिए मैंने बुक्स भी पढ़ना शुरू किया। और इसके साथ ही 2018 में मुझे एक बार एक ऐसा विज़न आया जब मैं
चंद्र ग्रहण के दौरान बैठकर जाप कर रही थी माता रानी का, तो मेरी आंखें बंद हुई, शायद मैं ध्यान में चली गई और उसी दौरान मैंने पत्री जी को अपने ध्यान में देखा कि वो मेरे सामने बिल्कुल बैठे हैं, बिल्कुल वाइट दाढ़ी, उनका वाइट बाल थे। तो मुझे ऐसे लगा कि ये कौन है जो मेरे ध्यान में आए हैं। तो जब मैं ध्यान से उठी तो मैं उनको बहुत ही गूगल पर सर्च करने लगी और मुझे 2-3 दिन सर्च करते रहने के बाद भी बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये कौन है। फिर मुझे सद्गुरु दिखे, मुझे लगा कि शायद ये सद्गुरु हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो मैं बहुत से वीडियो YouTube में देखती रही। उसके बाद मुझे पिरामिड का भी बहुत शौक है, क्योंकि मेरे घर में मैंने छोटे छोटे बहुत से पिरामिड रखे हुए हैं। तो मैं पिरामिड देख रही थी तो मुझे पिरामिड सोसाइटी का पता चला, वहीं पर वो मुझे दिखा कि पिरामिड सोसाइटी लुधियाना। तो जब मैंने एड्रेस देखा तो बिल्कुल मेरे घर के पास ही था। तो मैं यहाँ पर देखा कि बुधवार को क्लास होती है मेडिटेशन की, तो मैं अपने ऑफिस से सीधा शाम को 5 बजे मेडिटेशन करने के लिए इधर आई। तो जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने एक टेबल पर बुक रखी, देखी जिस पर पत्री जी की पिक थी, और ये वही थे जो मैंने ध्यान में देखे थे। तो मुझे लगा कि शायद यही वो रास्ता है, यही वो जगह है जहाँ पहुँचकर मुझे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रेगुलर आने लगी, और जहाँ मैंने लीना भारती जी से ये सुना कि 40 दिन का अगर आप यहाँ पर रेगुलर ध्यान करते हैं तो आपको बहुत से अपने सवाल जो है वो क्लियर होंगे और आपकी लाइफ भी पूरी तरह से बदल सकती है। तो मैंने एक संकल्प किया 40 दिन ध्यान करने का, और मैं पिरामिड में डेली सुबह मॉर्निंग 6-7 ध्यान करने के लिए आने लगी। तो यहाँ पर जब मैं ध्यान करने आने लगी तो बहुत से मेरे ऐसे सवाल थे जो मेरे मन में चलते थे, उनके जवाब मुझे मिलने लगे। और इससे पहले 2018 में मैंने 3 एंजल्स को भी अपने ध्यान में देखा था, वो भी मुझे यहाँ पर आकर क्लियर हुआ कि वो एंजल्स हैं, क्योंकि पहले मैं उनसे डर रही थी, क्योंकि जब मैं उनकी आवाज़ सुनती थी या मैं उनको अपनी आँखों बंद में देखती थी तो मैं डर जाती थी कि ये कौन है। लेकिन जब मैं पिरामिड में 40 दिन का ध्यान कर रही थी तो उन्होंने मुझे अपना नाम भी बताया और ये भी बताया कि वो एक एंजल्स हैं और मेरी हेल्प के लिए मेरे साथ हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी भी हुई। और एक ऐसा ही एक्सपीरियंस था जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे एंजल्स ने ये बताया कि जो यहाँ पर नीचे लड़का है उसका नाम गुड्डू है और उसकी सिस्टर की मैरिज है और उसको पैसों की ज़रूरत है, उसे ये मैसेज दे दो कि उसको इंतजाम पैसों का हो जाएगा 1-2 दिन में। तो जैसे ही मैं अपने ध्यान से उठी और नीचे जाकर मैंने उस लड़के से पूछा कि क्या तुम्हारा नाम गुड्डू है, तो उसने बताया कि हाँ जी मेरा नाम गुड्डू है। तो इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो जो एंजल्स हैं वो मेरे साथ हैं और मेरी हेल्प के लिए हैं। और इसके बाद ही मुझे मेडिटेशन में श्वेता मैडम के बारे में भी उन्होंने बताया कि आप उनके गाइडेंस में ध्यान करें, तो मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया और उनके ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया। और जो मेरा बेटा 5 साल का है वो भी लिटिल बुद्धा जो श्वेता मैम ग्रुप चलाते हैं उसमें ऐड है और वो मेडिटेशन करता है। और जब मेरा 40 दिन का ध्यान हुआ तो उसके बाद मेरी जो ये यात्रा चल रही थी आध्यात्मिक, वो एकदम से इतनी तेज़ी से शुरू हुई कि जब 40 डेज लास्ट था तो वहाँ पर मुझे JTTP क्लास का पता चला, जो मैम मीनाक्षी थे यहाँ पर मास्टर हैं वो बहुत बड़े, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर ज्वाइन करवाया। और यहीं से आगे बढ़ते हुए मैंने JTTP 2012, 13 और 14 किया, और उसके बाद मैंने सेठ विजडम किया, और इसके बाद न्यू जर्नी क्लास करते हुए जब मैं आगे बढ़ी तो साथ ही मुझे सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला, जहाँ पर हम अपनी सोल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो वो हिंदी का बैच था जो फर्स्ट बैच शुरू हो रहा था,
तो वहाँ पर भी मैंने अप्लाई किया और मुझे वहाँ पर जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, क्योंकि डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी जो बहुत ही बड़े मास्टर हैं और जो पत्री जी को अपना गुरु मानते हैं, के छत्रछाया में मुझे मेडिटेशन करने का और अपनी सोल ट्रेनिंग के बारे में जानने का पूरा मौका मिला। तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानती हूँ। 2022 में फर्स्ट बैच में मैंने वहाँ पर अपना ट्रेनिंग को पूरा किया और अभी भी मैं लास्ट संडे ही वापस आई हूँ अपना सेकंड बैच पूरा करके। जो 2 साल का हमारा ये कोर्स था वो मैंने पूरा किया है। वहाँ पर जाकर भी मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए और बहुत कुछ जानने का मौका मिला। और मुझे लग रहा है कि जो मेरी ज़िंदगी में मैं सवालों को ढूंढ रही थी वो बहुत जल्दी जल्दी मुझे इन 2 सालों में जवाब मिलते चले गए हैं। और अभी भी मैं बहुत सी स्पिरिचुअल बुक वहाँ से लेकर आई हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, और पिरामिड के साथ भी मैं पूरी तरह से जुड़ी हूँ और रेगुलर ध्यान कर रही हूँ। और डॉक्टर न्यूटन जी ने हमें 3 घंटे का भी रेगुलर ध्यान करवाया है और अभी भी मैं 3 घंटे का रेगुलर 40 डेज संकल्प करके ध्यान करना चाहती हूँ और जल्दी ही शुरू करूँगी, ताकि जो लाइफ में और भी चेंजेस हैं मेरी लाइफ में वो आ सकें और मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकूँ। और अभी मुझे रुकना नहीं है, मुझे इस रास्ते पर बहुत आगे बढ़ना है। मैंने बहुत कुछ सोचा है इसे किस तरह से पूरा करना है। मैंने अपने घर में भी अपने जो थोड़ी मेरे जगह है बैक साइड पर, वहाँ पर मैंने पिरामिड लगवाने का सोचा है और मैंने वहाँ पर अभी शेड लगवाई है और सचिन जी से बात की है जो दिल्ली में JTTP ट्रेनिंग करवाते हैं, उनसे मैंने पिरामिड लेकर अपने घर में लगाना है। और ध्यान के लिए मैंने क्लासेस भी लेनी है अपने घर पर ही, लोगों को फ्री में मैं ध्यान सिखाना चाहती हूँ। और अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और सोच रही हूँ कि आने वाले टाइम में अपनी इस जॉब को मैं प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जॉब के साथ मैं अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती। और मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर कोई भी अपनी लाइफ में कुछ मेरे जैसे सवालों को ढूंढ रहा है तो वो पिरामिड सोसाइटी PMC हिंदी चैनल से जुड़े और अपने सवालों को यहाँ पर आकर उनके जवाब वो पा सकता है। और अगर वो ध्यान से जुड़ेंगे तो उनकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है, जिस तरह से मेरी लाइफ बदली है। मैंने यहाँ पर आकर समझा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि जब आप किसी सवालों को ढूंढना शुरू करते हैं और बढ़ना शुरू करते हैं तो उनके जो जवाब हैं वो आपकी तरफ खुद ब खुद आने लगते हैं। और जब आप ध्यान से जुड़ते हैं तो आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेजेस ख़त्म होने लगती हैं। और जब मैं हैदराबाद में क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में वहाँ पर गई थी ध्यान करने के लिए, कोर्स करने के लिए, तो वहाँ पर मुझे एक विज़न आया था कि कोई बुक्स आने वाली है जो लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। मुझे ये तो नहीं पता कि वो बुक्स किसके थ्रू आएगी, लेकिन मुझे हितेश सर का उसमें ज़रूर मैसेज था कि हितेश सर उसमें हेल्प करेंगे। तो मैंने अभी हितेश सर से भी वहाँ पर बात की थी कि सर, मैं आपके साथ जुड़कर काम करना चाहती हूँ, आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में हमारा जो ये लक्ष्य है, हमारा जो ये रास्ता है, वो आगे बढ़ता जाएगा और इसमें बहुत से लोग जुड़ते चलेंगे। इस काफिले को हमें लेकर आगे बढ़ना है। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ध्यान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। ध्यान करने से जो हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जीज आती है, उसके साथ हमारे अंदर जितनी भी पुरानी ब्लॉकेजेस बनी होती हैं, हमने अपने अंदर बहुत सी बीमारियों को छुपाया होता है, हमारी जो नेगेटिव सोच होती है हमें वो बीमारियों से जोड़े हुए होती है, वो सारी धीरे धीरे कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू क्लियर होने लगती है। हमारी बॉडी बिल्कुल साफ होने लगती है और हम हर तरह की बीमारियों से दूर होने लगते हैं। ध्यान के द्वारा हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो भी ठीक होने लगते हैं, और जो भी हमारी लाइफ में ज़रूरी चीज़ें हैं, पैसा है, रिलेशनशिप है, हमारी हेल्थ है, वो सब कुछ हमें मिलने लगता है। तो ध्यान
करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप ध्यान से जुड़ते हैं तो आप अपनी लाइफ को एक बहुत ही बेहतर तरीके से जी सकते हैं और बहुत ही ऊंची ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। जो आपने सपने देखे हैं, जो आपके अंदर ख्वाहिशें हैं, डिज़ायर्स हैं आपकी, वो सभी ध्यान से जुड़कर पूरी हो सकती हैं। लोगों को ये भ्रम होता है कि शायद ध्यान वही लोग करते हैं जो संन्यास लेते हैं या ग्रस्त जीवन से दूर होते हैं, लेकिन ध्यान ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी हम कर सकते हैं। और ध्यान कोई संन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि ध्यान करने से आप अपनी लाइफ को खुशहाल और बहुत ही अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को ध्यान करना चाहिए, और मैं सबसे ये गुजारिश करूंगी कि आप PMC हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ें, इस चैनल को देखें और मेडिटेशन में आएं। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।